अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो आज का जो लेक्चर है दैट इज अबाउट कि भाई एक डिव को सेंटर पोजीशन पे कैसे लाया जाए। लाइक यहाँ पर एक बॉक्स जो है ना वो सेंटर की पोजीशन पे आ जाए। अब बहुत सारे मीम्स आ रहे थे और बहुत ही जो स्टूडेंट्स है वो भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर जी ये वाली जो चीज़ है ना वो हमें समझ में नहीं आ रही, आखिर ये डिव जो है सेंटर पे आता कैसे है। तो उसके लिए ये लेक्चर बनाया जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो एक फाइल बना लें index2.html की, एंड देन राइट html, टाइटल दे देते हैं हाउ टू सेंटर अ डिव, सेव कर देते हैं, बॉडी के अंदर आते हैं और एक डिव टेक जो है बॉक्स के नाम का बना लेते हैं। देख लेते हैं इसको कि क्या नज़र आ रहा है। फिलहाल कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा, हाउ टू सेंटर है, डिव सिर्फ सिर्फ जो है वो टाइटल में नज़र आ रहा है। तो मैं आऊंगा हेड के सेक्शन में और हेड के सेक्शन में लिखूंगा टैग स्टाइल। तो मैं अभी इनलाइन स्टाइलिंग यूज कर रहा हूँ और डॉट बॉक्स इसीलिए क्योंकि क्लास जो मेरा है वो बॉक्स है। और यहाँ पर आके मैं पहले तो इसको कोई कलर शलर दे देता हूँ। तो कह देता हूँ कि भाई बैकग्राउंड कलर जो हो दैट शुड बी लेट्स से ब्लू, और साथ ही साथ जो इसका बॉर्डर हो दैट शुड बी 5 पिक्सल सॉलिड गोल्ड, सेमीकोलन एंड सेव, चेक कर लेते हैं और ये हमारा बॉक्स आ गया। अब इसकी जो है वो हाइट दे देते हैं, हाइट है लेट से 100 पिक्सल्स, सेव इट एंड चेक इट, 100 पिक्सल आगे हाइट और हमें बॉक्स नजर आना शुरू हो गया। अब डिव को सेंटर करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज टू असाइन अ विड्थ। विड्थ असाइन करना बहुत लाजम है। तो मैं कह देता हूँ 20% जो है वो इसकी विड्थ है और इसको मैं चेक करता हूँ और ये आ गई विड्थ, बहुत ही छोटा सा बॉक्स, खूबसूरत सा बॉक्स। अब इस बॉक्स को हम लोग असाइन कर देंगे मार्जिन। तो हम लोग इसको दो मार्जिन असाइन कर देंगे। एक तो होगा कि भाई मार्जिन लेफ्ट ऑटो एंड देन मार्जिन राइट ऑटो। सेव किया, सेव करने के बाद और दिस इज इट, बहुत ही सिंपल था और ये सेंटर पे अलाइन हो चुका है। डू रिमेम्बर के पोजीशंस के थ्रू भी इसको हम लोग सेंटर पे या कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, बट दिस इज अ वेरी सिंपल वे टू अलाइन अ डिव टू अ सेंटर पोजीशन। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर।